हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय जीके प्रिपरेशन चैनल। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन से जो मोर इम्पोर्टेंट हैं। मोदी जी का मंत्रिमंडल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी आप माना कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं, आप भी जानते ही हैं और हम भी जानते हैं कि मोदी जी द्वारा मंत्रिमंडल में इस बार काफ़ी चेंज किए गए हैं। कई सारे मंत्रियों के मंत्रिमंडल भी चेंज किए गए हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? कौन है रक्षा मंत्री? कौन है? राजनाथ सिंह। ये राजनाथ सिंह पहले भी थे और अभी भी हैं, ये चेंज नहीं हो रखे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? कौन है गृह मंत्री? अमित शाह है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। अमित शाह जो है ये भी चेंज नहीं हो रखे, पहले भी थे। अमित शाह को जो है सहकारिता मंत्री भी बोला जाता है, ठीक है। इसी बात चुने गए हैं 2021 में। ये माना क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट बार कौन बने हैं सहकारिता मंत्री, तो अमित शाह का नाम ही आएगा, ठीक है। अमित शाह फर्स्ट बार बने हैं। और जो सहकारिता दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? कौन है बताइए? नितिन गडकरी है। इसको गडकरी नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, खादी पेंट भी, खादी पेंट के नाम से भी जाना जाता है। खादी पेंट के मंत्री भी हैं, ठीक है। और इनको इस टाइप से याद कर सकते हो कि नितिन गडकरी जो है ये सड़क परिवहन है और राजमार्ग है। जो ये है ये सड़क परिवहन है, जो बस होती है वो गड्ढों में चलती है तो वो गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर क्या है, गड़गड़ी, गड़गड़ की आवाज़ से इसको हम आप जान सकते हैं गड़गड़ी, नितिन गडकरी, ठीक है। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? बताइए कौन है? ये चेंज हो रखे हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण। हाँ, ये भी सॉरी, ये भी पहले की हैं, ये भी पहले की हैं जो पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के नए कृषि एवं किसान मंत्री कौन हैं? कौन बने इस बार? नए चेंज हो रखे हो। कौन बने हैं? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर बनाया, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो नरेंद्र सिंह तोमर को, इसका भी एक ट्रिक बताऊँगा मैं। फ्रेंड्स, देखिए, कृषि अगर बारिश वारिश नहीं हो रही है तो उनके फसल नुकसान हो रहे थे, वो कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, इस टाइप से भी आप वो मर रहे हैं, तो इसको तोमर मर के हिसाब से भी याद कर सकते हो, ठीक है। किसान मर रहे हैं इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है गाइस। इनको क्या बोलते हैं, कृषि मंत्री भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ सॉरी, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सिक्स्थ वाला। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? कौन है? डॉक्टर जयशंकर। कौन है? डॉक्टर जयशंकर, एस जयशंकर। एस जयशंकर को कैसे करते हैं, माना कोई तुमसे बोलेगा विदेश चलोगे तो आप ऐसे बोलोगे, इसलिए एस जयशंकर से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? कौन है वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा है, जो है जनजातीय मंत्रिमंडल है, मंत्री, ठीक है। ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में कौन है विकास मंत्री? स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। ये भी पहले की है, पहले भी मंत्री थी और अब भी यही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? कौन है बताइए? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई सॉरी डी कौन है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आंसर सही है, पीयूष गोयल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? नए शिक्षा मंत्री बताइए कौन है? चेंज हो रखे हैं। धर्मेंद्र प्रधान। कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। ये चेंज हो रखे हैं इस बार,
इनको प्रधान, क्योंकि शिक्षा में प्रधान होते हैं, तो शिक्षा जो है प्रधान है, उसको प्रधान से भी याद कर सकते हो, घर का प्रधान होता है ना, उस टाइप से शिक्षा मंत्री को भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान माना आ गया, तो क्या बताओगे आप? धर्मेंद्र प्रधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने चाहिए वो पहले हम ये देखेंगे, इससे पहले कौन था शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल था। ठीक है, रमेश पोखरियाल जो है इससे पहले था। और अब इसके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? बताइए कौन केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री के साथ क्या है? संसदीय कार्य मंत्री और खान मंत्री भी है। ठीक है, इनको खान मंत्री के नाम से भी जाना जाता है और संसदीय कार्य मंत्री के नाम से भी। ठीक है, ये जो है गाइस, प्रहलाद जोशी को खान मंत्री और कोयला मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे आप? प्रहलाद का मतलब अग्नि, खान कहाँ से, अग्नि कहाँ से प्राप्त हो? कोयला से प्राप्त होती है। ठीक है, इस टाइप से इसको याद कर सकते हो। जैसे भी आप पेपर में आएगा तो आपके माइंड में जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ये आपके माइंड में एकदम से फोकस हो जाएगा। ठीक है गाइज, फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्री कौन है? कौन है मध्यम उद्यम मंत्री? कौन है? नारायण तालू राणे। कौन है? नारायण तालू राणे। ठीक है, ये जो है सूक्ष्म लघु और मध्य सक्षम मंत्री हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं। ये जो है नारायण तालू राणे, इसको ये जो एक भगवान शिव जी का एक नाम है। ठीक है, इसको ये कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं, ये इनके नाम लेने पर काम सिद्ध हो जाता है, इस टाइप से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, वर्तमान में बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन है? कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। ये जो है तुम्हारे वर्तमान बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री हैं। इतने मंत्री हैं, 3-4 मंत्री हैं ये। ठीक है गाइज, सर्वानंद क्या है? सर्वानंद सोनोवाल ये वर्तमान बंदरगाह और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री हैं। ठीक है, जलमार्ग में जो भी जाओगे आप, वहाँ आप आराम से जाओगे। ठीक है, सर्वानंद आनंद के हिसाब से। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? ये तुम्हारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसको दिया गया है? इस मंत्री किसको दिया गया है? लास्ट ऑप्शन जी वाला सही है, वीरेंद्र कुमार को। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, आपको हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर एवरीवन ऑल गाइज।